एक बार फिर से हैवी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये वर्णमाला का ये टॉपिक है और इसको भी हमें पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आइए हम फिर इस पर चर्चा करते हैं वर्णमाला पर। देखिए, ये उच्चारण का वर्णों का उच्चारण स्थान, ये टॉपिक आपका है वर्णों का उच्चारण स्थान। यहाँ पर कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कंठ से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं आपके छोटा आ, बड़ा आ, कावर और हार। जैसा कि इसको हम शॉर्ट में समझने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, यानी कि कंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण आपके हैं वो है आपके छोटा आ, बड़ा आ और कावर। कावर का मतलब है कि क, ख, ग, घ, म, ये पांच वर्ण जो है और साथ में ह, ये जो आपके बोले जाते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम तालु पर, और तालु पर जो है एक फार्मूला बनाया गया है, इचु ऐसा नाम तालु से ये पता लग जाता है के छोटी ई, बड़ी ई, चावर और या स। अब चावर का मतलब है कि च, छ, ज, झ, या। ये पांच वर्ण इनके साथ में यानी चावर के अंतर्गत आते हैं और ये भी तालु से बोले जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मूर्धा। मूर्धा से भी कुछ वर्ण बोले जाते हैं, इसके लिए फार्मूला है ऋतु रसा नाम मूर्धा। अब ऋतु रसा नाम मूर्धा का मतलब है री, टावर, रा, शा, और इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य वाला सा। अब देखिए, यहां पर टावर की बात किया गया तो टावर का मतलब है कि टा, ड, ढ। अब यहां पर नुक्तागिंद लगा देंगे तो अतिरिक्त व्यंजन हो जाएगा, केवल ढ होगा, यानी ट, ठ, ड, ढ। ये आपके पांच वर्ण बोले जाते हैं मूर्धा से। इसके बाद हम आते हैं दंत, यानी दांत से बोले जाने वाले वर्ण आपके लिरी। अब ये लिरी आपके हिंदी में नहीं है, हिंदी के उच्चारण यानी कि वर्णमाला में नहीं होता है, लेकिन यह संस्कृत के वर्णमाला में होता है और इसका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं, लेकिन किसके अनुसार? लेखनी के अनुसार। लेखनी के अनुसार इसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, यानी कि ऋ और उसके बाद टावर पूरा, ट, तावर, सॉरी, तावर जो है आपका पूरा, त, थ, द, ध और ये ना। ये आपके जो पांच वर्ण हैं ये भी आपके जो है पूछे जाते हैं, और कहां से पूछे जाते हैं यानी बोले जाते हैं, और कहां से बोले जाते हैं, ये दंत से बोले जाते हैं। उसी के साथ में ला भी है और शा भी, ये भी दंत से बोले जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम मोष्ठो। मोष्ठो मीन्स ओष्ठ, ये वोष्ठ से बोले जाने वर्ण वर्ण है, यानी कि इसका फार्मूला है उपोदेनिया नाम ओष्ठा, यानी कि छोटा ओ, बड़ा ओ और पावर्ग। पावर्ग में आएंगे तो प, फ, ब, भ और म। इसके बाद आगे हम बात करेंगे नाशिका का, जो नाक से भी बोले जाते हैं और मुख से, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक से भी आवाज निकलता है और मुख से भी आवाज निकलता है थोड़ा सा, उसे हम नाशिका वर्ण कहते हैं। और वो नाशिका वर्ण अंग्रेजी सॉरी वर्णमाला के पंचम अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर सारे जो होते हैं वो आपका पांचवा अक्षर जो होता है वही आपका जो है अनुनाशिका वर्ण होता है, यानी इसका फार्मूला बनाया गया है यमगणनम चा, यमगणनम चा, यानी नाशिका चा। अब यहां पर देखिए नाशिका मीन्स ना, मा, रा, ना और ना बोले जाते हैं, कहां से? नाशिका से, नाक और मुख से। इसके बाद हम आते हैं एदत्तो कंठ तालु।
कंठ और ताल से बोले जाने वाले वर्ण केवल केवल दो है, वो है ए और ए। इसके बाद अगला आपका आता है वकारस्य दंतोष्ठा, यानी कि वकारस्य दंतोष्ठा, दंत और ओष्ठ, दंत और प्लस ओष्ठ, दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाले केवल इकलौता वर्ण है जो है केवल वा। और लास्ट में आपका आता है वदेत्तो कंठोष्ठम, यानी कि कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले केवल दो वर्ण हैं ओ और औ। ये आपके पूरे पूरे वर्णमाला का जो उच्चारण स्थान है ये पूरा पूरा कंप्लीट हुआ। और अगले वीडियो में हम अलंकार के बारे में बात करेंगे।